वेजिटेरियन डाइट के एपिसोड्स हमने काफी बनाए, कभी मिलेट्स खाए तो कभी सोयाबीन पकाए, कभी बहुत सारे वेजिटेबल के साथ राइस खाए तो कभी टिक्कीज भी बनाए। बट एज अ वेजिटेरियन डाइट पे हमें क्रेविंग्स भी तो सताए, तो कुछ ऐसा बनाओ जहाँ प्रोटीन भी हो जाए, क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाए। अरे क्यों नहीं, जरूर हो जाए। तो आई वेलकम यू ऑल इन द 8th एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट, जहाँ फुल डे डाइट पे चीट होगा पर फिर भी डाइट प्रोटीन से भरपूर होगा। ना इस खाने पे कोई गिल्ट होगा, बस क्रेविंग के साथ साथ वेट लॉस होगा। तो स्टार्टिंग माई डे विद द सोक्ड बादाम एंड कोई भी ड्राई फ्रूट अगर सोक करके खाए तो बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। एंड अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत आज मीठे की क्रेविंग से करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए है 100 ग्राम ओट्स, उसका बनाया है पाउडर, इसमें गया 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा, पंच ऑफ सिनेमन पाउडर एंड सॉल्ट एंड नाउ 1 होल एग। एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू कैन टोटली स्किप द एग, नो प्रॉब्लम। तो अभी इसमें जाएगा एक पका हुआ बनाना, उसे स्मैश करके डालना है। एंड देन अब गए ब्लैक रेजिंस विच आर वेरी गुड फॉर इंस्टेंट एनर्जी। अभी गया 30 ग्राम कर्ड एंड देन 80 ml मिल्क ऑल्सो। मिक्स एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड याद रहे कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब पैन पे गया घी एंड ऐसे छोटे छोटे से पैनकेक बना लेने हैं एंड दोनों साइड से इसे अच्छे से पका लेना है एंड डन। एंड टॉपिंग्स होगी थोड़ी हनी से एंड बन गया हमारा प्रोटीन रिच स्वीट, विच इज काफी स्वीट एंड फिलिंग। एंड ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं एंड टेस्ट में तो भाई क्या कमाल लगते हैं। तो सुबह सुबह स्वीट की क्रेविंग्स तो पूरी हो गई, तो इसी एनर्जी के साथ ब्लैक कॉफी पीते पीते चलते हैं अपने लंच पे। तो अभी मीठा तो हो गया, तो क्यों ना अब थोड़ा सा चटपटा सा खाते हैं। तो चलो टेस्टी सा प्रोटीन रिच रगड़ा पैटीज बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम छोले को पानी में सोक करने के लिए रखा था, फिर इसको हमें टर्मरिक एंड सॉल्ट डाल के 6-7 सीटी तक पकाना है। तो अब यहाँ लेना है एक बॉइल पोटैटो, उसमें गया 2 टेबलस्पून चावल का आटा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, जीरा, ओनियन, सॉल्ट, कोरिएंडर, टर्मरिक, मिक्स इट वेरी नाइसली एंड इसकी छोटी छोटी सी टिक्कीज बना लेनी है। एंड अब तवे पे इन्हें दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है एंड डन। तो यहाँ हमारा छोले का ग्रेवी भी रेडी है। तो ये गई प्लेट में टिक्कीज एंड यहाँ गया छोले का ग्रेवी, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, ओनियंस, टोमेटोस एंड थोड़ा सा फाइबर। हो गया हमारा टेस्टी सा चाट रेडी, उसके साथ 60 ग्राम कर्ड। तो ये संपूर्ण मिल बन जाता है, वेट लॉस मिल, प्रोटीन रिच मिल। तो भाई जहाँ चाह है वहाँ रहा है, चटपटा भी है, टेस्टी भी है, खाए तो वेट लॉस भी हो जाए, बस इंसान को और क्या चाहिए। अगर आपने ये एक बार खा लिया ना, तो भाई बाहर का खाना तो भूल ही जाओगे। ट्रस्ट मी, ट्राई इट वंस, इट्स जस्ट ऑसम। तो ये जो चेहरे की खुशी है उसे बरकरार रखते हुए 2-3 आवर्स के बाद जिम चलते हैं। तो अभी जिम के बाद एक स्कूप वे प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वे प्रोटीन के बाद तैयारी डिनर की करते हैं। तो ये क्रेविंग सा भरा पर हेल्दी सा दिन क्यों ना प्रोटीन रिच बर्गर पे खत्म करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, उसमें गया 20 ग्राम बेसन, 10 ग्राम चावल का आटा, 30 ग्राम मखाने का पाउडर एंड 1 स्मॉल स्मैश पोटैटो एंड नाउ हियर गोज जीरा, अजवाइन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर, मिक्स इट वेरी नाइसली एंड इसकी ऐसी पैटीज बना लेनी है एंड बारीक सूजी में ये पैटीज डिप करके लेनी है। एंड अब इनको दोनों साइड से मस्त अच्छे से फ्राई करना एंड डन। तो यहाँ पे मैंने होल व्हीट बन लिया है, उसमें गई ग्रीन चटनी, तो ये गई पैटीज एंड मेयोनीज को अल्टरनेटिव बनेगा कर्ड, बिकॉज एक स्पून मेयोनीज में 100 कैलोरीज होती है। अब गई हमारी पैटीज के ऊपर ओनियंस एंड यस चीज का स्लाइस। तो 500 कैलोरीज एंड 30 ग्राम प्रोटीन के साथ बन गया हमारा प्रोटीन रिच बर्गर। जो बर्गर बाहर मिलता है उसमें होती है 700-800 कैलोरीज एंड प्रोटीन ना के बराबर। सो ये बहुत ज्यादा टेस्टी है एंड इट जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो कौन कहता है कि डाइट पे बर्गर नहीं खा सकते, ये जरूर खा सकते हैं। एंड हाँ, कौन कहता है कि डाइट में क्रेविंग्स का बलिदान देना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने तो आज काफी क्रेविंग्स डाइट पे होते होते पूरी की है, क्योंकि आखिर में चेहरे की खुशी बरकरार रखे उसी का ही नाम तो डाइट होता है। इसी थॉट के साथ मिल्क से किया दिन खत्म। तो आज दिन भर में काफी पेट में ठूस ठूस के डाइट का सम्मान किया है, पर प्रोटीन का बलिदान बिल्कुल नहीं किया है। तो दिन में कैलोरीज खाई इतनी एंड प्रोटीन इतना, क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हुई और कोई गिल्ट भी नहीं। हेल्थ का हेल्थ और डाइट का डाइट भी।
I will see you in another episode of Vegetarian Diet. Till then, खुश रहो, healthy रहो, happy रहो. Thank you and bye.